होंगे, आप सब दोस्त कह रहे तो आप फिर से होंगे। तो दोस्तों आपका भाई उजैर एक बार फिर से हाजिर है एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। दोस्तों आज का व्लॉग बनने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। एक बात यह कि दूसरा दिन से आज हमारे यहाँ बारिशें पड़ना शुरू हो गई, क्योंकि महकमे मौसमियात ने बता दिया था कि सिंध भर में 9 तारीख से बारिशें पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों फाइनली वो बारिशें 9 तारीख से लगातार हमारे गांव में बरस रही हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आज उसका व्यू और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे कार्टन यानी कि कपास की फर्स्ट पटाई हो चुकी है, जिनकी वजन आया है तकरीबन 7 मन। तो 7 मन को लेकर चलते हैं किसी सेठ के पास और लेते हैं रॉ क्रेट। दोस्तों इस बार कपास का रेट भी हाई है और हर चीज़ का हाई था, क्योंकि कपास का भी हाई होना ही था। तो दोस्तों बिना देर के आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट, और गाड़ी भी नहीं है और मैं ये व्लॉग फिल वक्त अपने घर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं आज चलूंगा पैदल अपनी ज़मीन की तरफ। तो दोस्तों आज के व्लॉग में आने जा वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो दोस्तों बिना देर के इस व्लॉग को मैं करता हूँ स्टार्ट। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए मेरे साथ। खेतों की तरफ बाइक पर आकर खेतों पर पहुँच गए हैं। तो दोस्तों फाइनली वो गाड़ी भी आ चुकी है, उस पर हम कपास ले जाने वाले हैं आगे। तो दोस्तों चलिए आपको कपास की भी वीडियोस दिखाता हूं और हमारे खेतों की भी। तो दोस्तों चलिए
इस गांव में सारे ही घर जो हैं वो खूबसूरत बनाए गए हैं। गुलाम जोसेर होशियारी होशियारी कौन तुम हाँ कौन तुम ऐसा आता नहीं हेलो लाबा खड़ा
फाइनली हमने कपास दे दी, अब चलते हैं गांव की तरफ और मजीद की वीडियो वहीं पर रिकॉर्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से तो दोस्तों फाइनली मैंने कपास, पीछे आप दुकान देख रहे हैं, इस जगह पर बेच दी है एक सेट को। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बताने जा रहा था कि मैं इन पैसों का क्या करने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैंने कहा था कि घर पहुंचकर आपको बताऊंगा, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि गाड़ी हो गई पंचर, एक बार पंचर लगाया फिर से पंचर उसका खुल गया, तो सोचा अब क्यों ना पैदल ही घर की तरफ रवाना हो। तो दोस्तों इस रास्ते से मैं अपने गांव की तरफ रवाना दवा हूं और मैं आपको बताता चलूं, मैं कपास के पैसों का घर की छत के लिए टाइल लेनी है वो लेने जाऊंगा। दोस्तों ज़्यादा पानी पड़ने से और बारिशें पड़ने से छत ट्रिम रही है, हम जो कि सिंधी में कहते हैं, यानी कि छत के ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे टाइल और मार्बल्स लगी हुई है तो उसका नुकसान दे रही है। तो दोस्तों मैं वो टाइल लेने जाऊंगा, उसका भी ब्लॉग मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपने भाई उज़ैर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।